जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी के आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिस मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से दूसरों से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब पैकेज, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। लिए जानते हैं इसके बारे में, जो है वह महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों कि झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कल है क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की मार तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगे दोस्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पहुंचा भी नहीं लगना चाहिए, बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में, आप माने या ना माने। लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। दोस्तों महायोग टीवी एक चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार की एक हिस्से हैं, तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे पैक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले आप, कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रातक के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर करके, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उसे पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा ना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका को प्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि धनतेरसु दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा,
आप कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। एक बार किसी को हमने एक उपाय बताया था, आज वह बहुत बड़ा धनवान है, तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दी। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू पुराना, झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, घर की झाड़ू तो आपकी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़कर के नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चुप गए हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर करते और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का, फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है, इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें, और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके ढाबा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस चक चुकी हैं या मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात थी, आपकी उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो RS1 का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले धोकर से दोस्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दे। इसे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह RS1 का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है, स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इस वही रख रहने दीजिए, और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली 8 धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर के लिए दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ अनुसार कपड़े धन मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोस्त शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बढ़ाएं भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार, या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल घट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हत्था जोड़ी हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कोरिया हुई, शक्ति का श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। इनमें से अगर यह मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 9 नवंबर को लाभ पंचमी आएगी, उसे दिन भी सुबह 6:45 से सुबह के 10 और 8 तक आप यह काम कर सकते हैं या नहीं।
इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाली हूं आपको दीपावली की रात को करना है। आपको चार काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और चार काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक गाना आसमान की तरफ फेंकिए दोस्तों, और उसके बाद आप बोलिए दरिद्रता घर से बाहर, जो लक्ष्मी माँ घर में आओ, और काकर आपको अपने घर लौट जाना है। दोस्तों इसे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।